लद्दाख में एलएसी पर रस्साकसी के बाद भारत और चीन आपसी बातचीत कर रहा है और चीन इस बातचीत के बाद पीछे हटने को तैयार भी है। लेकिन क्या ये मान लेना चाहिए कि चीन आगे भी ऐसी हरकत नहीं करेगा? एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन भारत का दुश्मन था, है और आगे भी रहेगा और आगे भी इसी तरह की हरकत करता रहेगा। यह मामला चीन का सिर्फ भारत के साथ नहीं है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे तमाम देश हैं जिनके साथ चीन एक साथ फ्रंट खोले बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में चीन के साथ भारत को किस तरीके से संबंध आगे बढ़ाने चाहिए? क्या सीधी सीधे इनका मुकाबला करना चाहिए या अभी फिलहाल शांति से बातचीत करनी चाहिए? और चीन का फिलहाल आगे क्या भविष्य है, क्या रणनीति चीन की हो सकती है? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं चीन मामलों के जानकार और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रांति जी, उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे साथ चीन पर चर्चा करने के लिए। हमने देखा सर, चीन कुछ महीने पहले जब शुरुआत हुई थी इस महामारी की, तब ये आशंका जताई जा रही थी कि ये महामारी कहीं ना कहीं चीन की साजिश हो सकती है, चीन कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड ऑर्डर में वो बदलाव करना चाह रहा है और ये एक लंबी साजिश थी। और हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं चीन इस साजिश में अपनी डिप्लोमेसी के जरिए, अपनी वास्ट इकोनॉमी का फ़ायदा उठाकर वो कहीं ना कहीं इस जंग में जीत हासिल करने वाला है, कर सकता है, वो कामयाब हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति हमें दिखाई दे रही है, अभी हाल ही में इंग्लैंड ने भी जो हुआवी का 5G नेटवर्क है वो बंद करने की बात कही है, 2027 तक उन्होंने हुआवी के 5G नेटवर्क को पूरी तरह से हटाने की बात कर दी है। अमेरिका ऑलरेडी साउथ चाइना सी में अपने जो जंगी पोत हैं, वो जहाज हैं, उनको भेज चुका है। जापान वो भी अब पहली बार जंग में वो जंगी जहाज खरीदने की बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ है, इंडोनेशिया, वियतनाम, तमाम लोग, हांगकांग में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो अब हमें लगता है कि जो डिप्लोमेसी है चीन की वो तो कहीं है ही नहीं, दरअसल पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। तो हम ये कैसे माने कि चीन की डिप्लोमेसी कामयाब हो रही है? ऐसी स्थिति में आप फिलहाल चीन का स्टेटस क्या पाते हैं? फिलहाल सबसे पहले यहीं पर शुरुआत करते हैं। देखिए, चीन ने जो दो खुराफातें की, पहले तो ये कि जो वुहान में उसने जो कोविड वायरस है वो जिस तरह से उसने पूरे दुनिया में तबाही मचाई, उसके बारे में दो बातें हैं। अगर चीन की तरफ से सहानुभूति की तरह देखिए तो ये कि कोई दुर्घटना थी और उस वजह से एक वायरस जो है वो लेबोरेटरी से या मार्केट से छूट कर दुनिया भर में चला गया। और अगर हम आप चीन के प्रति पूरी सहानुभूति नहीं पूरे शक से देखते हैं तो ये कि चीन ने वुहान की जो अपनी लैब्स है वहां से खतरनाक वायरस तैयार करके और दुनिया पर छोड़ा। लेकिन दोनों हालत में चीन के पास एक, अगर उसका दिल साफ था तो उसके पास ये गुंजाइश थी कि अगर वो दुर्घटना से वायरस छूटा है तो वो दुनिया को तुरंत जानकारी दे देता, WHO को जानकारी दे देता और बताता कि ये नेचर है इस वायरस की, ये इसके साइंटिफिक इसकी डिटेल्स हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए आइए सब मिलकर काम करें। वो उसने किया नहीं, बल्कि जानबूझकर उसको कुछ महीने तक, बल्कि जानबूझकर छिपाए रखा और उसको फैलने दिया। तो इससे पता लगता है कि चीन की नीयत तो सही नहीं है। उसके बाद जो उसने जो जो हरकतें की हैं कि एक तरफ तो चीज चोरी और दूसरी तरफ सीना चोरी, दुनिया भर में जिस तरह से कोविड ने आफत मचाई, दुनिया के बाजार बंद हुए, दुनिया की इंडस्ट्री बंद हुई, दुनिया के दफ्तर और सारी गतिविधियां जो इकोनॉमिक वो बंद हो गई, तो उसने उसका भी दुरुपयोग करने की सोची कि दुनिया भर की कंपनियों के शेयर गिरने शुरू हुए, तो चीन की जो कंपनियां हैं वो सरकारी पैसे से और सरकारी निर्देशन पर चलती हैं, उन्होंने दुनिया भर से शेयर खरीदने शुरू कर दिए। यानी कि एक तरफ तो आप दुनिया पर एक जहरीला वायरस छोड़ दीजिए और दूसरी तरफ दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर पिछले दरवाजे से कब्जा करने की कोशिश कीजिए। तो ये दोनों चीजें दुनिया को समझ में आ गई हैं। तो आज जिस तरह से जापान जैसा शरीफ देश वो भी खड़ा हो गया है, वियतनाम परेशान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जितने भी देश हैं वो तनकर खड़े हो गए हैं
और अब ये सारे देश जो है वो भारत के साथ हाथ मिलाकर काम करना चाहते हैं। भारत को वो चाहते हैं कि वो एक दुनिया के जो डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है उस पर वो आगे आए और एक तरह से नेतृत्व संभाले या पहल करे। तो आज स्थिति आ गई है कि भारत और चीन के बीच में जो रिश्ता है वो पहले सिर्फ सीमा पर विवाद को लेकर था, वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है। और अब ये देखना है कि हम चीन की ये जो सारी चालबाजियां हैं उसको अपने घरेलू मोर्चे पर, हमारे सीमा के मोर्चे पर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब हम उसको जितनी हिम्मत से उससे निपटेंगे उससे तय होगा कि भारत का भविष्य आगे क्या होना है। जी, एक बात तो समझ में आती है कि चीन पर आरोप जिस तरीके से महामारी फैली है, चीन के खिलाफ एक विरोध के स्वर चारों तरफ से खड़े हो चुके थे। चीन को जरूरत थी अपने साथियों की, उसे लोगों से अलग अलग देशों से समर्थन चाहिए था, जाहिर है भारत से भी समर्थन उसे चाहिए होगा। ऐसी स्थिति में जब दुनिया की नज़र उस पर हो, ऐसी स्थिति में वो भारत के साथ सीमा पर तनाव क्यों खड़ा करना चाहता है, इसके पीछे वजह ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या वो शुरुआत से ही दिखाना चाहता है कि आंख दिखाकर भारत को बताना चाहता है कि दरअसल आप हमसे कम्पीट करने की कोशिश मत कीजिए, हम आपके खिलाफ हैं, हम आपसे बहुत बड़े हैं, क्या इस तरह का संदेश देना चाहता था? क्या वजह हो सकती है चीन की? देखिए, इसके कारण तो कई सारे हैं। जहां तक सैनिक तनाव पैदा करने की बात है, वो भी एक ऐसे मौके पर कि जब चीन के ही छोड़े हुए वायरस से भारत भी परेशान है और दुनिया के देश परेशान है, और भारत में लॉकडाउन हो रहा है, भारत की आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, भारत के दफ्तर काम नहीं कर रहे हैं, सरकार भी अपनी पूरी क्षमता से नहीं काम कर पा रही है। ऐसे मौके पर चीन ने जो हमला किया भारत की उत्तरी सीमा पर और खासतौर से लद्दाख में, उसके पीछे कारण यह है कि चीन के अपने कई इरादे हैं पुराने, जिस जो उसके उसको अभी पूरे करने हैं। आपको याद होगा कि माओ त्से-तुंग जो चीन के कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट जो आंदोलन था उसके नेता थे, उन्होंने जब चीन में जो राष्ट्रवादी सरकार थी उसको गिराने की सफलता पाने से पहले ही उसने घोषणा कर दी थी कि चीन जो है जितना आज है वो उससे बड़ा होना चाहिए, और खासतौर से भारत के बारे में उसने तब घोषणा की थी कि जो तिब्बत है वो मेरी हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेफा, ये नेफा वो है जिसको आजकल हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, उसका कहना था कि ये जो हैं ये चीन का हिस्सा होंगे और तब चीन अपना जो है दबदबा जो है एशिया में बना पाएगा। और उसने इसीलिए सबसे पहले सत्ता में आते ही उसने तिब्बत पर कब्जा किया और फिर तिब्बत को इस्तेमाल करके उसने भारत की सीमाओं पर आकर और पूरे अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक परेशानी पैदा करनी शुरू की है। तो इस बार जो उसने लद्दाख में खुराफात की, खासतौर से गलवान घाटी में और पेंगोंग लेक वाले एरिया में, वो उसका वो पुराना जो इरादा था कि लद्दाख पर उसको कब्जा करना है, तो उसको लगा कि अब भारत जो है फंसा हुआ है कोविड से निपटने में, तो यही मौका है कि आइए उसे छीन लिया जाए लद्दाख का एक वो हिस्सा जो उसको स्ट्रेटेजिकली बहुत सूटेबल है। तो ये वो इलाका है जहाँ से चीन अगर गलवान वैली पर कब्जा कर ले तो फिर उसको पूरा रास्ता मिल जाता है तिब्बत से लेकर और शिनजियांग का वो इलाका और पीओके का जो इलाका जो उसको अरब सागर से जोड़ेगा सीपैक के रास्ते से। तो ये उसकी चाल थी कि अब भारत फंसा हुआ है तो चलो इस पर कब्जा करते हैं और वो पूरा रास्ता हम पक्का कर लेते हैं। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि भारत कच्ची गोलियां नहीं खेला और ये 1962 नहीं है और इस बार प्रधानमंत्री वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे। इस बार जो उसको ठोक कर जवाब मिला है तो वो चीन भी सकते में है कि उसका वो इरादा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये तय है कि चीन ने भारत के जो पूरा ये हिस्सा है खासतौर से हिमालयवर्ती क्षेत्र उस पर उसने नजरें गाड़ी हुई हैं और वो लगातार जब भी उसको मौका मिलता है
वो इन हिस्सों पर कब्जा करने की फिराक में है। अब ये देखना है कि वो उसके हौसले कब तक बने रहते हैं और भारत जो है उसको कितनी मजबूती से जवाब दे पाता है, तो वो आगे से फिर से ऐसी हरकत ना करे। ये देखते हैं क्या होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे गलवान में, तो उसके बाद वहां पे उन्होंने एक बिना नाम लिए एक्सपेंशनिस्ट देश की बात की थी। उसके बाद जो भारत में चीन का दूतावास है और वहाँ जो उनकी प्रवक्ता हैं जी रोंग, उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे। उन्होंने इस बात को माना था कि वो भारत की चीन की ही बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि 14 देशों में से 12 देशों के साथ उनकी सीमाएं जो हैं वो निर्धारित हो चुकी हैं आपसी बातचीत के आधार पर। सिर्फ दो ही देश हैं जिनके साथ सीमाएँ निर्धारित नहीं हो रही है हो पाई हैं, इसलिए उनको एक्सपेंशनिस्ट कहना गलत होगा। ऐसे में भारत के साथ चीन का झगड़ा है सीमा को लेकर, भूटान के साथ झगड़ा है, भारत के साथ ही ऐसी स्थिति सीमा पर क्यों है चीन के साथ, या फिर भूटान के साथ ही क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए ये जो चीन है ये जिसको दो मुंह वाला सांप है, तो ये दो मुंह का वाला सांप है, एक से मुस्कुराता है और एक से धमकी देता है, आग उगलता है। इस बार हुई उसने क्या किया कि लद्दाख पर हमला किया और जब ठोककर जवाब मिला तो उसके बाद उसका राजदूत जो है वो ये बता रहा है कि हम तो शांति प्रिय देश है, देखिए हमने 14 देशों के साथ अपने सीमा समझौते कर लिए, ये भारत और भूटान ही है जो हमारे साथ शांति नहीं चाहते। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खुराफा जो 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 समस्या है वो भारत के साथ है, वो नहीं शांति चाहता और वो सीमा नहीं निर्धारित करना चाहता। लेकिन असलियत ये है कि चीनी राजदूत से सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिन 14 देशों के साथ तुमने संधियां की हैं या सीमा पर समझौते किए हैं वो किस हालात में किए, वो भले ही रूस हो, वो भले ही ये उज़्बेकिस्तान और ऐसे ये वियतनाम और ये जितने देश है कंबोडिया वगैरह, इन देशों के साथ जहाँ जहाँ उसने सीमा पर वो दावा करता है कि हमने वो समस्या हल की है, उसने लगातार वो मौके देखे कि जब वो कोई भी देश कमजोर हालत में होता है, जब सोवियत संघ टूटा तो सोवियत संघ से टूट कर जो 16 देश बने थे वो बहुत बुरी हालत में थे, और उसमें से सेंट्रल एशिया के जितने देशों के साथ वो आज कह रहा है कि मैंने सीमा संबंधी समझौते किए हैं, वो उसने उस दौर में किए कि जब वो देश पूरी तरह वल्नरेबल थे, बहुत कमजोर थे, और उसने उस वक्त दादागिरी दिखाकर उनके साथ अपनी शर्तों पर समझौते कर लिए। तो ये क्या वो दिखाना चाहता है कि वो शांतिप्रिय है और बहुत दूध का धुला हुआ है? उसे ये भी समझ में आ गया कि भारत उसकी शर्तों पर संधि करने वाला नहीं है, भारत उसकी शर्तों पर सीमा समझौता नहीं करेगा, और इसीलिए पिछले 60 साल से जो बातचीत वृद्धि हुई है चीन के साथ, तो वो चीन की तरफ से हुआ कि उसने वो सीमा पर सहमति होने ही नहीं दी। आज तक जितनी बैठक हुई है चीन सरकार ने एक बार भी भारत के प्रतिनिधियों के सामने जो उसकी वास्तविक स्थिति है, कहाँ उसकी सेनाएं टिकी हुई है, वो उसकी बात ही नहीं करता, क्योंकि वो हर बार कुछ इंच थोड़ा कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घुसकर आगे बढ़ जाता है, और हमारी भी भारत सरकार उसको बढ़ने देती रही पिछले 60 साल में। इसलिए उसने जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उस पर भी कभी भी अपनी मोहर नहीं लगाई कि हाँ हम यहाँ तक हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम भी आगे मत बढ़ना, क्योंकि वो जिसको गोल पोस्ट चेंज करते रहना वो हर बार चेंज करता है। तो किसको बता रहा है, किसको समझा रहा है, या किसको मूर्ख बना रहा है चीन का राजदूत कि वो शांति प्रिय है, वो तो सीमा पर समझौता चाहते और भारत नहीं चाहता। ये चीन की वजह से कभी भी इसलिए संधि नहीं या समझौता नहीं हो पाया भारत और सो कॉल्ड चीन की सीमा, क्योंकि ओरिजिनली ये भारत चीन सीमा नहीं है, ये भारत तिब्बत सीमा है। 1951 में जब चीन ने जबरदस्ती तिब्बत पर कब्जा किया तो उसकी सेना तिब्बत को क्रॉस करके भारत की सीमा पर आ गई, और जो सीमा भारत तिब्बत सीमा सैकड़ों साल से हजारों साल से कही जाती थी वो रातों रात भारत चीन सीमा बन गई, और उस सीमा को वो आज तक निर्धारित नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर चाहता है, क्योंकि वो तिब्बत को हथेली तो उसने कब्जा कर ली है, वो उसने नेपाल को भी ध्वंस पट्टी देकर अपना गुलाम बना लिया है। जैसी जैसी मूर्खता भरी बातें उसका प्रधानमंत्री बोल रहा है, वो दिखा रहा है कि वो नहीं बोल रहा, चीन बोल रहा है उसके पीछे। तो अब समस्या उसको है भारत और भूटान के साथ, क्योंकि भूटान भी अपनी
जमीन उसको देने को तैयार नहीं है। और भारत बहुत अच्छी तरह जानता है कि चीन की नजर जो है पूरे हिमालय पर है, इसलिए भारत उसकी शर्तों पर समझौता नहीं करना चाहता। और यही कारण है कि चीन अपनी ईमानदारी दिखाने को तैयार नहीं है और भारत उसकी शर्तों पर अंगूठा टेकने को तैयार नहीं है। कि चीन के राजदूत को बता दीजिए कि अगर समझौता नहीं हो रहा है इस सीमा पर तो वो आपकी वजह से, आपकी बेईमानियों की वजह से है, आपकी खराब नीयत की वजह से। जाहिर है उन्होंने कोशिश तो की लेकिन गलवान में वो फेल रहे और बातचीत के बाद अब वो पीछे भी हटने को तैयार हैं, कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखाई देते हैं पूरा पूरा चीन। दो कदम आगे बढ़कर भारत ने चीन की जो डिजिटल कंपनियां थी, मोबाइल डिजिटल ऐप्स थी, उन पर भी पाबंदी लगा दी है। ये भी देखने को आ रहा है चीन से जो सामान एक्सपोर्ट होकर इंडिया में आता है उस पर भी बहुत गहन जांच हो रही है। नतीजा ये है कि फेडेक्स जैसी शिपिंग कंपनी, इसके अलावा और भी कई बड़ी कंपनी है, उन्होंने फिलहाल शिपिंग बंद कर दी है। जो चीन से माल आता था उसको बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर उनको आसानी से एंट्री नहीं मिल रही है। हर एक पूरी तरह से उनकी जाँच हो रही है, तमाम कागजात की जाँच हो रही है। लिहाजा वो उन्होंने अपनी फिलहाल जो शिपिंग सर्विस है वो बंद कर दी है। इस तरह की कोशिश भारत कर रहा है चीन को टेम करने की, उसमें किसी न किसी तरीके से शिकंजा उस पर जकड़ने की, ये तो साबित हो जाएगा कि चीन अब एक अच्छा शांत प्रिय दोस्त पड़ोसी नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आगे भी जारी रहेगा। क्या क्या विकल्प हो सकते हैं कि चीन इससे आगे ना बढ़े, चीन को काबू में रखने के और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, भारत और चीन के बीच जो इस समय जितने भी विवाद हैं वो जो मोटा मोटे हम लोग देखते हैं, दो विवाद दिखाई देते हैं। एक तो सीमा पर है जो सैनिक विवाद है और दूसरा जो है अर्थव्यवस्था में, जैसा कि भारत का जो आयात है चाइना से वो बहुत बहुत बड़ा है और जो निर्यात है भारत से वो बहुत कम है और वो भी ऐसी कच्चे माल का है कि जो भारत को कहीं पर कोई एडवांटेज नहीं देता। तो ये दो क्षेत्र हैं जिस पर भारत के जो विवाद चल रहा है। लेकिन अब ये एक मौका आया है जो कोविड की वायरस की वजह से जो स्थिति पैदा हुई और चीन के ने जिस तरह से बेनकाब हुआ है, अब एक मौका आया है भारत को उन ऑप्शंस को, उन विकल्पों के बारे में सोचने का कि जो इन दो क्षेत्रों यानी सैनिक और आर्थिक, ये दो क्षेत्रों से हटकर ऐसे और कौन से मोर्चे हैं जिन पर अगर हम चीन का मुकाबला करें, चीन की पर हम हमला करें तो हम चीन की बाम रोड़ने को, चीन को घुटनों पर लाने को तैयार हैं और वो स्थिति में हैं। ये मुझे लगता है कि भारतीय जो नीति निर्धारक हैं अब ये समय है उन्हें इन सारे विकल्पों के बारे में सोचने का। तो इसके विकल्प जो एक जो विकल्प है जो चीन की भीतर की स्थिति से जुड़े हुए हैं और कुछ विकल्प हैं चीन से बाहर की। पहले बात करते हैं चीन के भीतर की स्थिति। हमें ये समझ लेना चाहिए कि आज का जो चीन है वो शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उसके पास विशाल क्षेत्रफल है। वो इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि उसने 1949 में सत्ता पलटने के बाद ही, वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने सबसे पहला काम ये किया 1949 में, ईस्ट तुर्किस्तान जो रिपब्लिक ऑफ ईस्ट तुर्किस्तान देश था जिसको उन्होंने आज शिनजियांग कहते हैं, उस देश पर सबसे पहले कब्जा किया 1949 में। उसके दो साल के भीतर भीतर उन्होंने तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया। उससे पहले वो इनर मंगोलिया जिसको वो कहते हैं, सदरन मंगोलिया है, उसके एक हिस्से पर भी उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये तीन ऐसे देश हैं जो 1949 कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद चीन का हिस्सा बने और इन तीनों देशों का जो क्षेत्रफल है वो चीन आज के चीन के दो तिहाई इलाके से ज्यादा बड़ा है। आज के चीन के पास जो शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, खनिजों की और प्राकृतिक जो भी सोर्सेज हैं, वो भले टिम्बर हो, भले पानी हो, नदियां हो, ग्लेशियर हो, वो आज के चीन का जो तीन चौथाई ये जो शक्ति है अर्थव्यवस्था की, वो इन तीन कब्जाए हुए देशों से आती है। इसलिए ये
भारत को अब ये चाहिए कि जब वो भारत का लिहाज नहीं करता कश्मीर का, जब वो तिब्बत का इस्तेमाल करके भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो विद्रोह चलता रहा है, उसके जो गुरिल्ला आतंकवादी रहे हैं उनको वो शरण देता रहा तिब्बत में, उनके ट्रेनिंग कैंप चलाता रहा, उनको हथियार देता रहा, पैसा देता रहा, उनकी मदद हर तरह से करता रहा, भारत का तो लिहाज नहीं किया। अब मौका है भारत भी चीन का लिहाज करना बंद करे। वो चीन की जो पॉलिसी हमने खमखा जबरदस्ती अपनाए हुए वन चाइना पॉलिसी, और वो चीन जो भारत के 30 टुकड़े बात करने की बात करता है, हमें उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। आज भारत को चाहिए कि चीन को बता दे कि आप लद्दाख में जिस इलाके पर कब्जे की बात कर रहे हैं, आप अरुणाचल प्रदेश में जिस हिस्से को दक्षिण तिब्बत बताकर उसको अपना हिस्सा बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने तिब्बत पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। इसलिए भारत सरकार को चीन को बता देना चाहिए कि क्योंकि तुमने तिब्बत पर गैर कानूनी कब्जा किया है और उसका इस्तेमाल करके आज तुम भारत के लद्दाख और ये सारे इलाके पर अरुणाचल प्रदेश पर दबाव जता रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी उपस्थिति को मान्यता नहीं देते तिब्बत में। तुम तिब्बत में गैर कानूनी तौर से हो इसलिए हम तुम्हें मान्यता नहीं देते, तुम्हें तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है इस सीमा के बारे में, जब वहां तिब्बत की अपनी सरकार होगी उसे हम सीमा तय कर लेंगे। आप ये करके देखिए, फिर देखिए चीन की क्या हालत होती है, तिल मिला जाएगा। आज तो दलाई लामा को अगर ब्रिटिश सरकार या कनाडा सरकार सिर्फ वीजा देने की बात करती है उनकी यात्रा के लिए, तो चीन बिफर जाता है, पगला जाता है, धमकियां देना शुरू करता है, बौखला जाता है। तो जब आप तिब्बत की बात करेंगे तो देखिए उसका क्या हाल होगा। हमारे सामने देखते देखते आजाद भारत के सामने सामने ईस्ट तुर्किस्तान जो है गुलाम हो गया, और उसकी वजह से भारत का जो रिश्ता था ईस्ट तुर्की ये सेंट्रल एशिया के साथ वो परमानेंटली खत्म हो गया, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और शिनजियांग पर वो ईस्ट तुर्किस्तान पर चीन ने कब्जा कर लिया, तो जो हमारा सीधा लिंक था ईस्ट जो सेंट्रल एशिया के साथ वो परमानेंटली खत्म हो गया। हमें उसको रिहैबिलिटेट करना है आज। तो आज भारत को चाहिए चीन को बताए कि ईस्ट तुर्किस्तान में तुम्हारी मौजूदगी गैर कानूनी है, हम उसको मान्यता नहीं देते और ईस्ट तुर्किस्तान को भी आजाद देश होना चाहिए। यही बात हमें साउथ मंगोलिया के लिए कहनी चाहिए। फिर आप देखिए चीन की क्या हालत होती है। तो ये तो हो गए तीन ऐसे हिस्से जो चीन के अंदर हैं। उसके बाद और विकल्प है हमारे सामने। हांगकांग में चीन जो कुछ कर रहा है वो बड़ा अमानवीय है, यानी वादा करके सारी दुनिया के सामने वादा किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ब्रिटेन के साथ के 50 साल तक हम इनकी व्यवस्था नहीं बदलेंगे, और आज वहां के सारे कानून को खत्म करके अपनी सेना बिठा रहा है वहां पर। तो ये एक अनैतिक काम है। और भारत हम देख रहे हैं इतिहास में, हम दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं, हम फिलिस्तीनियों के लिए भी लड़ते रहे हैं, और अपने दरवाजे पर जो हो रहा है उससे हमें इसकी चिंता ही नहीं। आज हमें हांगकांग के लोगों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। यही बात हमें ताइवान का है। वो ताइवान पर जबरदस्ती चीन अपना हिस्सा अपना उस पर कब्जा जमाना चाहता है, क्यों नहीं हम ताइवान के साथ खड़े हों। हमारी ताइवान के साथ एक जमाने में हमारे पूरे रिश्ते थे, लेकिन आज उसके साथ सांस्कृतिक रिश्ते हैं, और उनकी एक यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि की तरह बैठता है। ये कोई नाटक मंडली थोड़े ही है, वो देश है, हमें उसके उसका राजदूत यहाँ बिठाना चाहिए, दूतावास ना चाहिए। तो ये तो चीन से सीधे जुड़े हुए इश्यूज हैं। अभी और भी बहुत सारे इशू हैं, जैसे साउथ चाइना सी में चीन गुंडागर्दी कर रहा है, अपने तट से 1,000-1,500-2,000 किलोमीटर दूर जाकर जो टापू ब्रुनाई के पास है, जो वियतनाम के दरवाजे पर है, मलेशिया का है, फिलीपींस का है, वो उन पर जाकर अपना कब्जा जता रहा है कि ये साउथ चाइना सी है इसलिए ये मेरा है। तो भारत को इन सारे दुखी देशों के साथ खड़े होना चाहिए। वो सब इंतजार कर रहे हैं कि भारत जैसा देश सामने आए तो हम भी मजबूती के साथ चीन का मुकाबला करें। अब आप जो आप ये करेंगे तो चीन सारी हेकड़ी भूलेगा, उसकी जो एग्रेसिव जो टोन्स हैं वो कुत्ते की तरह दुम दबा के फिर वो भागेगा। तो चीन को आप शराफत से नहीं हैंडल कर सकते, चीन को उसी की भाषा में
उसी की शैली में हैंडल करने की जरूरत है। और ये बहुत सारे बाहरी मुद्दे हैं जिन पर भारत को पूरा नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और इस पर भारत को इनको इस्तेमाल करना चाहिए। काहे को उससे मिलिट्री वाला करिए, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ सीमा पर उलझने या आर्थिक मोर्चे पर उलझने। उन मोर्चों पर उलझिए कि जहां आप एक लात मारे तो तिल मिला जाएगी, उनों पर आ जाए। जिस तरीके से सर चीन के खिलाफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ब्रिटेन है, वियतनाम है, ये तमाम देश लामबंद हो रहे हैं, क्या भारत में इनके साथ, भारत को इनके साथ खड़े होकर लीड करना चाहिए? क्या हमें इन देशों का भरोसा करना चाहिए या फिर अपनी लड़ाई अलग से लड़नी चाहिए? एक दूसरे स्तर पर, क्या हमें इन देशों के सामने एक बिजनेस ऑप्शन खड़ा करना चाहिए कि भाई आप चीन से आप बिजनेस तो संबंध आप तोड़ रहे हैं, लेकिन भारत के साथ आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, हम आपको वो तमाम सर्विस, वो तमाम सुविधाएं देंगे। इसकी कोशिश भारत सरकार कर भी रही है, लेकिन क्या जिस तरीके से सामरिक स्तर पर जो लामबंदी चीन के खिलाफ हो रही है उसमें भारत को हिस्सेदारी करनी चाहिए कि, या फिर इकोनॉमिक स्तर पर ही खाली अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, भारत के पास इस वक्त इतने सारे विकल्प मौजूद हैं चीन को हैंडल करने के जो आज तक कभी भी नहीं थे। सबसे पहला तो ये है कि चीन की साख बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, जो उसने एक विनाशकारी बदमाशी भरा कदम कोविड वायरस वुहान से छोड़कर दुनिया को परेशान करके बनाया है। उसके बाद भारत के जो आपने जिन देशों का नाम लिया, वो ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, वियतनाम भी है, कंबोडिया भी है, ब्रुनाई भी है, फिलीपींस है, आप इन देशों के नाम लेते जाइए, ये सब इनके और भारत के हित सीधे जुड़े हुए हैं। एक तो ये छह जो इंडो पैसिफिक ओशन थे, इनमें से ज्यादातर देश उस इलाके के हैं, और वो और हिंद महासागर, ये जो पूरा इलाका है दुनिया के व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग है, और इसमें सभी दुनिया के इन सभी देशों के आर्थिक हित जो है वो सीधे सीधे प्रभावित हैं। और भारत का समुद्र तट इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि ये पूरे इस क्षेत्र में भारत की जो मौजूदगी है वो कहीं बहुत ज्यादा अफवाह हो जाती है। और ये सभी देश इसलिए चाहते हैं कि चीन की जो दादागिरी समुद्र में जो शुरू हुई है उससे बचने के लिए एक संगठन होना चाहिए, और उसमें वो भारत की तरफ देखने लगे हैं। वरना आप सोचिए कि ये जो इंडो पैसिफिक जिसको रीजन कहा जा रहा है, इससे ये हमने नाम नहीं दिया है, ये इन देशों ने दिया है, दुनिया की बिरादरी ने दिया है, क्योंकि भारत की उपस्थिति को वो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो एक तो ये कि इन सारे देशों के साथ हमारे सामरिक रिश्ते और आर्थिक रिश्ते पक्के होना बहुत जरूरी है, तभी हम चीन को निपट सकते हैं। दूसरी बात ये है कि चीन अकेले अकेले एक एक देश करके सब पर हेकड़ी जमा रहा है। वो आता है और फिलीपींस के बिल्कुल साथ जुड़े हुए एक छोटे से टापू पर आकर कब्जा करता है, और वो वहाँ दूसरे इलाकों से उसके जहाज रेत लाकर उस छोटे से टापू को विशालकाय बना देते हैं। उस पर वो चाइना अपनी हवाई पट्टी बना लेता है और बोलता है कि ये तो मेरा इलाका है। यही उसने ब्रुनेई के साथ किया, यही जापान के साथ कर रहा है, ये कई देशों के साथ कर रहा है। वो एक एक करके अगर हम देश निपटेंगे चीन से तो सब मारे जाएंगे, और वो ये सब देशों ने जान लिया है। आज उन देशों को एक चीज जो समझ में आ रही है कि ब्रुनाई अकेले नहीं लड़ सकता है, लेकिन अगर भारत उसके साथ है, अगर ऑस्ट्रेलिया साथ हो जाए, अगर जापान साथ हो जाए, वियतनाम साथ हो जाए, तो ये इतनी विशाल शक्ति बन जाएगी कि चीन की जो जो बुलिंग होती है ना, दादागिरी कहते हैं एकड़ी, वो फिर चल नहीं पाएगी। तो ये इन सब देशों के हित में है कि वो साथ आए, और भारत की स्थिति ऐसी है, भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है, और जो उसका आकार है, उसका जो बाजार है, उसकी जो टेक्नोलॉजी का लेवल है, वो सब भारत को इस पूरे गुट का नेतृत्व करने का पूरा पूरा स्कोप देते हैं। और यहाँ भारत को इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। एक बार भारत स्वीकार करेगा इसको तो फिर
चीन को समझ में आ जाएगा कि अब वो उसकी दादागिरी के दिन लग गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो कोविड से पैदा हुई स्थिति है और चीन की दादागिरी से पैदा हुई स्थिति है, उसने अपने आप ही एक भारत को एक बहुत शानदार विकल्प के रूप में खड़ा करने का मौका दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो नया नेतृत्व है मोदी जी का, वो भारत को एक जो पहले उसका जो स्तर था जो काफी हद तक दबूपन और शर्माने वाला और दुबक कर रहने का, उससे बाहर निकाल कर एक आत्म अभिमानी आत्मसम्मानी देश के रूप में और दुनिया को नेतृत्व देने वाले देश के रूप में खड़ा करेगा। जिन विकल्प की आपने बात की है सर, वो विकल्प भारत अपनाता है और जिस तरीके के फ्रंट चीन ने जाने अनजाने दुनिया के खिलाफ खोल दिए हैं, ऐसी स्थिति में शी जिंग पे सीसीपी का भविष्य आप कैसे देखते हैं? वहां पर सब कुछ ठीक है क्या या आगे ठीक रह पाएगा क्या? वहां सीसीपी का शी जिंगपिंग का भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, चीन में जो एक उसकी सबसे बड़ी शक्ति है वो ये कि वो एक पार्टी का राज है वहां पर और वहां कोई चुनौती देने वाली दूसरी पार्टी नहीं है। लेकिन चीन की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि वहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और उसी का हर चीज पर कब्जा है। तो नतीजा क्या है कि वहाँ ऐसा तो है नहीं कि जैसे दूसरे देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है कि आप तो एक बार सत्ता में आए तो दूसरों को भी अगली बार मौका मिलता है, और अगर आप सत्ता से बाहर हो गए तो आपको उम्मीद रहती है कि अगले चुनाव में फिर हम जीत कर आ सकते हैं। कम्युनिस्ट व्यवस्था में ऐसा नहीं है, वो तानाशाही है। तो आज वहाँ हालत यह है कि शी जिनपिंग जो है उनके मुंह में इतना खून लग गया है चीन की जो सैनिक ताकत और आर्थिक ताकत की वजह से कि उनको लगता है कि अब मैं मेरा एक छत्र राज चीन पर होना चाहिए। तो इमेजिन करिए कि माओ से तुंग ने तो कई दशक लगाए कम्युनिस्ट आंदोलन को खड़ा करने और जो राष्ट्रवादी सरकार थी उसको वहां गिरा कर कम्युनिस्ट सत्ता वहां स्थापित करने में। उसके बाद वो जहां पहुंचे, शी जिनपिंग आज उस स्थिति में आना चाहते हैं जो माओ से तुंग की थी, वो चीन का राष्ट्रपति भी बने रहना चाहते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी सर्वोच्च पद होता है उस पर भी काबिज रहना चाहते हैं, और चीन की जितनी सेनाएं और अर्ध सेनाएं हैं उनका वो सेनापति भी रहना चाहते हैं। तो ये सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी के ऐसे बहुत सारे पुराने नेता हैं जो उनके बराबर के रहे हैं, उनसे वरिष्ठ रहे हैं, वो आज जिंदा हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी में एक विभाजन काफी गहरा हो चुका है, जहाँ बहुत सारे पुराने नेता इस बात से तैयार नहीं है कि शी जिनपिंग अब जिंदगी भर इन पदों पर बैठे रहना चाहते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जमात कम्युनिस्ट पार्टी में उन युवा नेताओं की है जिनको प्रिंसलिंग कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ पार्टियों में होता है ना कि एक पिताजी की पार्टी है वही मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद उनकी पत्नी मुख्यमंत्री होगी, फिर उनका बेटा बनेगा मुख्यमंत्री और वही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। ये वहाँ चीन में वहाँ भी यही होता रहा है। तो वो पूरी एक बिरादरी है नेताओं की, यंग नेताओं की, जिनको प्रिंसलिंग कहा जाता है, राजकुमार की सुनते। तो वो लोग बहुत चिंतित हैं कि अगर शी जिनपिंग को ही सारी जिंदगी बने रहना है तो हम भाड़ झोंकेंगे क्या। तो इसलिए उनका एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पुराने नेतृत्व के साथ मिलकर शी जिनपिंग के लिए मुसीबत कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन काफी गहरा हो चुका है और वो किसी दिन इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे आप सोचिए कि सोवियत संघ में जो हुआ था, तो हो सकता है किसी दिन वो विद्रोह इतना बड़ा हो जाए कि उसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी टूटे, चीन की सरकार टूटे और चीन खुद टूट जाए। उस हालत में आप देखिएगा कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन है वो चीन के टूटने का कारण बन सकता है, उसमें तिब्बत भी आज़ाद हो सकता है, उसमें ईस्ट तुर्किस्तान भी आज़ाद हो सकता है, उसमें इनर मंगोलिया को भी छूट मिल जाएगी, हांगकांग को रिलीफ मिल सकती है, ताइवान को मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो गर्भ में जो चल रहा है ना, उसमें बहुत कुछ हो सकता है और सारी दुनिया को इस पर नज़र रखनी चाहिए और मौका पड़ने पर वो जो जितनी शक्तियां हैं जनतांत्रिक चीन की उनको मदद करनी चाहिए। तब हम देखेंगे कि ये जो राक्षस एक तरह से बन गया है ये अचानक इसको राक्षस को जैसे वध होता है
राक्षस की का खात्मा होता है, ये तभी हो पाएगा। तो हम सबको नजर रखनी चाहिए, पूरी दुनिया पर नजर रखनी चाहिए कि चीन के भीतर क्या हो रहा है, शी जिनपिंग को क्या क्या चुनौतियां मिल रही है। जी बहब सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत विस्तार से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चीन के बारे में, चीन के पूरे मुद्दे को हमें समझाया। हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।